ऐसे ही सुंदर हेयर स्टाइल्स को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सेक्शन निकालना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला हुआ है। उसके बाद से हमने साइड पार्टिंग निकाला हुआ, तो सेम ऐसे ही निकाल लेना है। फिर बैक के सेक्शन में, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने टू पार्ट में सेक्शन को डिवाइड किया हुआ है। और उसके बाद से वन साइड सेक्शन में हम कर्ल कर रहे हैं, तो सेम ऐसा आपको करना है दोस्तों। सेक्शन बड़ा होने की वजह से हमने टू पार्ट में सेक्शन को डिवाइड कर दिया। उसके बाद से हम यहाँ पे कर्लिंग मशीन जो यूज़ कर रहे हैं, 25 mm की कर्लिंग मशीन है दोस्तों। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आपको रोटेट करके आपको कर्ल करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही इजी तरीका दोस्तों, ऐसा आप कर्ल कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने टू पार्ट में सेक्शन को डिवाइड कर दिया था, इसलिए ताकि मशीन के अंदर हेयर अच्छे से आ पाए और अच्छे से कर्ल हो पाए, इसीलिए हमने सेक्शन को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था। क्योंकि सेक्शन ज़्यादा ही ब्रॉड था, इस वजह से हमने सेक्शन को डिवाइड कर लिया था। और सेम ऐसे ही कर्ल करना है दोस्तों, हमने दूसरे सेक्शन को भी कर्ल कर लिया है। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिया हमने। और इसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, इस वजह से हमने यहाँ पे सेक्शन को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिर हम कर्ल कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, सेम ऐसे आपको कर्ल करना है। 25 mm की कर्लिंग रॉड है, और इसको अच्छे से रोटेट करके, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसके अंदर रैप करते जा रहे हैं रॉड के अंदर। तो सेम ऐसे हेयर को अच्छे से रैप करना है, ताकि अच्छे से हीट इसके अंदर जाए और जो हमारा कर्ल है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपका जब सेक्शन ब्रॉड हो तो उसको डिवाइड कर दें टू पार्ट में या थ्री पार्ट में, ताकि आप अच्छे से कर्ल कर पाएँ, रॉड के अंदर अच्छे से हेयर आ पाए। अगर आपका सेक्शन ज़्यादा थिक हो जाएगा तो आपका जो कर्ल है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, वो खुलने लगेगा, क्योंकि वेट ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो कभी भी ज़्यादा हैवी सेक्शन ना लें, नहीं तो आपका कर्ल खुलने लगेगा। और दोस्तों, मार्केट में टू टाइप्स की ज़्यादातर कर्लिंग रॉड आपको देखने को मिलती हैं। एक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोटेट वाली जो मैं कर्लिंग रॉड यूज़ कर रहा हूँ, एक ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, और एक कोन शेप की होती है जो कि पीछे से तो ब्रॉड होती है मगर जब नीचे तक जाती है उसकी रॉड तो वो पतली हो जाती है, तो एक कोन शेप की होती है। तो वो जो होती है वो इंस्टेंट कर्ल करने के लिए होता है, यानी कि आप फटाफट से रैप कर देंगे और वो फटाफट से कर्ल हो जाएगा, मगर वो ज़्यादा देर तक वो कर्ल टिकता नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आप वो ना लेके आप ये वाला ले सकते हैं, मगर इसके लिए आपको यही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। नहीं तो अगर आप इसके ऊपर, जैसे आप जो कोन वाली जो कर्लिंग रॉड होती है उसके ऊपर रैप करते हैं, सेम ऐसे इसके ऊपर भी रैप करके करेंगे तो कर्ल हो जाएगा, मगर वो थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। तो इसके लिए आपको सेम ऐसे रोटेट करके जब आप कर्ल करेंगे तो ईजिली लॉन्ग लास्टिंग होता है दोस्तों कर्ल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब दूसरी साइड भी सेम हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमने सेक्शन ले लिया है, उसके बाद से हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको भी रोटेट करके कर्ल कर रहे हैं दोस्तों। और सेक्शन को हमने पतला ले रखा है, ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं ले रखा है। अगर थिक सेक्शन ले लेंगे दोस्तों तो मशीन के अंदर अच्छे से आएगा नहीं है और अच्छे से कर्ल भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको एक मीडियम सेक्शन लेना चाहिए, ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और सेक्शन बड़ा हो जाए तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट में, थ्री पार्ट में, अगर आपका पॉसिबल हो तो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सेक्शन होगा तो उसको टू या थ्री पार्ट में डिवाइड करके आप कर्ल को कर सकते हैं अच्छे से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको भी हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है सेक्शन को, और यहाँ पर हम कर्ल कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही करना दोस्तों। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको बस रोटेट करना है। देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है दोस्तों, मगर जब आप करने लगेंगे तो ईज़िली आप अच्छे से कर पाएंगे। और ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो जो होता है उसके अंदर बस रैप करना होता है, इसके अंदर थोड़ा सा रोटेट करना होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसके अंदर, मगर आप इसके अंदर अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पर कर्ल कर दिया, तो सेम ऐसा आपको कर्ल करना है दोस्तों।
और जब भी आप कर्ल करने जाएं दोस्तों, तो पहले आपको स्प्रे नहीं करना है। जब भी आप रोटेट वाली मशीन के ऊपर आप जब कर्ल करने जाते हैं, तो आपको पहले स्प्रे नहीं करना है। काफ़ी लोग स्ट्रॉन्ग वाला है स्प्रे यूज़ कर लेते हैं, मगर आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप मशीन के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो आपका हेयर जो होगा मशीन के अंदर चिपक जाएगा, और चिपकने की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप हेयर को रोटेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इसीलिए आप पहले स्प्रे ना करें। अगर आप कोन वाली मशीन यूज़ करें तो भले आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं पहले स्प्रे करके, आप फिर कर्ल को कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रोटेट नहीं करना होता, उसके अंदर सिंपली रैप करना होता है, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। मगर इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको रोटेट करना होता है, फिर उसके बाद से स्प्रे करना होता है। नहीं तो जब भी आप स्प्रे करेंगे उसके बाद से आप कॉइल करेंगे, तो मशीन के अंदर आपका जो है कि हेयर चिपक जाएगा और आपको रोटेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसी वजह से आप ना करें तो अच्छा रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम इसको कॉइल कर रहे हैं, सेम ऐसे ही आपको करना है। और जब भी आपका हेयर बिल्कुल फ्री रहेगा, इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ होगा, स्टिकी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा, तो आपका जो मशीन के अंदर जब हेयर को आप रोटेट करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से रोटेट हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं, जैसे स्प्रे यूज़ कर दिया, तो स्टिकी हो जाता है, तो इस वजह से हेयर ज़्यादा इसके अंदर चिपकता भी है, और उसके बाद से वो स्ट्रेट होने लगता है। आप जब कर्ल करने लगते हैं तो वो उतना कर्ल नहीं हो पाता, वो तब भी वो कर्ल की जगह स्ट्रेट होने लगता है, तो इसीलिए आपको कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने हाफ सेक्शन में कर लिया, ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर भी हम सेम ऐसे ही कर्ल करेंगे। तो इसके अंदर भी हमने सेक्शन निकाल लिया दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सेक्शन बड़ा है, इस वजह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, और इसको भी हम कर्ल कर रहे हैं। और दोस्तों, बेसिक चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। जैसे कि बैक कॉमिंग पफ कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने उसके अंदर समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आप बैक कॉमिंग करके उसको पफ बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। और उसके बाद से अगर आपको नहीं पता है कि बैक कॉम को ओपन कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आप बैक कॉम को इजी वे में कैसे ओपन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। ऐसे एक वीडियो बनाया दोस्तों कि आजकल जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पफ के ऊपर जो लेयर होती है, इजी तरीके से कैसे वो लेयर बनाना है, उसके ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाया, बिल्कुल सेपरेट वीडियो है। अलग अलग तरीके से आप कैसे कैसे लाइंस बना सकते हैं पफ के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी तरीके से उसके अंदर समझाया दोस्तों। ऐसे आप मार्केट में मशीनें परचेस करने जा रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ देख के मशीनें परचेस करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख के आप मार्केट में जब भी मशीनें परचेस करने जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ देख के मशीनें परचेस करनी चाहिए। ऐसे ही मैंने डमी के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आपको क्या चीज़ देख के मार्केट में जब भी आप डमी परचेस करने जाते हैं, तो आपको क्या चीज़ देख के डमी परचेस करनी चाहिए, या फिर आपके पास डमी है और आपको नहीं पता है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे वॉश करना है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया आप सभी के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों वो सारी आप वीडियो देख देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, वो आप सभी के लिए वीडियो बनाया हुआ है, और आशा करता हूँ वो वीडियो देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ऐसे मैंने फेस शेप के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आप जब भी हेयर स्टाइलिंग करने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल देना चाहिए, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, और आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप ये सारी बेसिक चीज़ों के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है आप ज़रूर देखें। ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है शुरुआती टाइम में, तो दोस्तों ऐसे मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं बेसिक चीज़ों के ऊपर और बेसिक हेयर स्टाइल के ऊपर भी, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें, आई एम श्योर आपकी
बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब वो वीडियोस आप देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉइल भी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारे पीछे का। और जैसे कि आपको बताया गया है कॉइल कैसे करना है, तो सेम ऐसे ही आपको करना है। और टू टाइप्स की मशीन अवेलेबल होती हैं ज़्यादातर मार्केट के अंदर, एक कोन शेप में और एक जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लिप वाली। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से मशीन आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी होती हैं। मगर उसके अंदर ये होता है कि आप फटाफट काम कर पाते हैं जो कोन वाली मशीन होती है, मगर उसके कर्ल ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करते हैं। मगर ये जो कर्लिंग मशीन है इसके कर्ल ज़्यादा स्टे करते हैं, मगर आपको इसी तरीके से आपको कर्ल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे थे रोटेट करके मैं कर्ल को कर रहा था, अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक स्टफिंग यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डोनट वाले स्टफिंग को मैंने ओपन करके यहाँ पे यूज़ किया हुआ, जो नेट है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं बॉबी पिन से पिन कर रहा हूँ। तो सेम ऐसे ही आपको क्राउन सेक्शन पे पिन करना है, ताकि हम यहाँ पे एक इजी तरीके से पफ बना पाएँ। तो यहाँ पे मैंने बॉबी पिन से सारा अच्छे से टाइटली मैंने इस स्टफिंग को पिन कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं स्टफिंग के आगे जो हेयर है इसके अंदर अच्छे से हमने कॉम्ब किया है। कॉम्ब करने के बाद सेक्शन को डिवाइड करूँगा मैं, और डिवाइड करने के बाद हल्का सा बैक कॉम्ब करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया और इसके अंदर मैं हल्का सा बैक कॉम्ब कर रहा हूँ, ताकि जो स्टफिंग है उसके पास जो हल्का सा गैप है वो कवर हो जाए, वहाँ पर फिल हो जाए। उसके बाद से जैसे कि देख पा रहे हैं एक और हमने जो फ्रंट में सेक्शन छोड़ा हुआ था उसके अंदर भी हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। बैक कॉम्ब करने के बाद स्टफिंग के ऊपर मैं हेयर को छोड़ दूंगा, और स्प्रेड करने के बाद मैं अच्छे से कॉम्ब करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉम्ब कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से, और सेम ऐसे ही आपको कॉम्ब करना है, स्टफिंग को अच्छे से हाइड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा हमने पफ बना दिया है। उसके बाद से हमने यहाँ पे साइड सेक्शन में हमने यहाँ पे कर्ल करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे साइड सेक्शन में कर्ल कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आपको कर्ल करना है, जैसे कि हमने पीछे कर्ल किया है सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कर्ल करना है, मगर यहाँ पे हमने साइड सेक्शन निकाल दिया है यहाँ पे भी। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है ऐसा आप कर्ल कर सकते हैं। और ये एंड ऑफ द आईब्रो का हमने सेक्शन निकाला हुआ है, और यहीं से हमने सेक्शन को भी हमने वर्टिकल सेक्शन में टू पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हम एक फ्रंट में कर्ल करने के लिए हमने यहाँ पे एक पतला सा सेक्शन छोड़ा हुआ, फिर जो बचे हुए बाल है इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही कर्ल कर देंगे जैसे हमने बैक में किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसको अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कर्ल है वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, अच्छे से कर्ल हो जाए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर अच्छे से रोटेट करके हम यहाँ पर कर्ल कर रहे हैं। तो सेम दोस्तों ऐसे ही आपको कर्ल करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कॉइल कैसे कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया होगा, और मार्केट में किस तरीके की मशीन अवेलेबल हैं तो वो भी आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब जो यहाँ पे हमने एक सेक्शन निकाला है इसके अंदर भी हमने सेम ऐसे ही कॉइल करना है। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है सेक्शन को, पतले सेक्शन लेना है दोस्तों, ज़्यादा हैवी थिक सेक्शन नहीं लेना है, मशीन में उतने ही सेक्शन आपको लेना है जितने में आप अच्छे से कॉइल कर पाएँ, ज़्यादा हैवी सेक्शन नहीं लेना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आप ज़्यादा सेक्शन लेंगे तो आपका जो कॉइल है वो अच्छे से होगा नहीं, खुल जाएगा कॉइल, तो इसीलिए आपको नॉर्मल सेक्शन लेना है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर कॉइल कर दिया, तो सेम ऐसे ही आपको कॉइल करना है दोस्तों। फ्रंट में बचे हुए वालों को भी सेम ऐसे ही हम कॉइल करेंगे। तो पीछे का हमने यहाँ पे कॉइल कर दिया है, उसके बाद से हम यहाँ पे भी एक और सेक्शन निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सेक्शन निकाल लिया है दोस्तों, इसको करेंगे सबसे पहले कॉम। तो कॉम अच्छे से करना है दोस्तों, कॉम करने के बाद ही आप कॉइल करेंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं कॉइल को। तो दोस्तों ऐसे आपको रोटेट करके ही कॉइल करना है, बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, आराम से आप कर्ल कर सकते हैं। शुरुआती टाइम में जब आप फर्स्ट टाइम इस कर्ल को करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी, मगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इजी तरीके से हम कर्ल कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आपका भी हो जाएगा। यह है कि आपको थोड़ी सी
प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो इजीली आप इस कर्ल को कर पाएंगे। तो सेम ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे हमने जैसे कर्ल किए हैं, सेम ऐसे हमने फ्रंट में पूरा कर्ल कर दिया है। तो ये हमारा कर्ल हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो ज़रूर करें। आप सभी को पता है यूट्यूब के ऊपर हमारी ओनली वीडियोज़ आती हैं, मगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड फ़ोटोज़ आते रहते हैं, क्लासेस से रिलेटेड अपडेट मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हमारे सेम इसी नाम से मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9911418347, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे थे हमने दूसरी तरफ भी हमने कर्ल को कर लिया है। और उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस कर्ल को हम थोड़ा थोड़ा लूज़ करें, तो सेम ऐसे आपको लूज़ करना है। और लूज़ करने के बाद आप जैसे कि देख रहे हैं कि पफ के पीछे हम पिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बॉबी पिन से पिन करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उसके बाद हमने दूसरा कर्ल लिया है, दूसरे कर्ल को भी हम हल्का हल्का लूज़ कर रहे हैं। तो सेम ऐसे आपको लूज़ करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाना है इसके अंदर, थोड़ा सा मैसी लुक दिखाना है। और उसके बाद से आप पीछे ले जाके पिन कर देंगे बॉबी पिन से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हम ट्विस्ट भी कर रहे हैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद से दोस्तों हम पीछे पिन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर रहे हैं, तो सेम ऐसे पिन करेंगे। उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट का जो कॉइल है हमने इसको कोम कर दिया थोड़ा सा सॉफ्ट लुक के लिए। और उसके बाद से कोम करने के बाद इसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट करने के बाद हम हल्का हल्का उसके अंदर लेयर को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम उसको खींच रहे हैं लेयर को बाहर की तरफ और एक मैसी सा वॉल्यूम वाला लुक दे रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे मैसी सा वॉल्यूम वाला लुक देना है और ट्विस्ट भी करते जाना है दोस्तों साथ के साथ। और पीछे की तरफ ले जाकर बॉबी पिन से पिन करेंगे और इसको वन बाय वन हमने पिन किया है, यानी कि एक के ऊपर एक ले जा कर रखा है, वन बाय वन पिन किया। तो सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद से जो साइड का जो एक और सेक्शन था इसको भी हमने ले जाके जैसे कि आप देख रहे हैं जो एयर है उसको बिल्कुल कवर अप करते हुए हम पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं और इसको हल्का हल्का लेयरिंग दे रहे हैं, एक सॉफ्ट सी लेयरिंग दे रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप की हेल्प से। और उसको ट्विस्ट करते हुए हम पीछे की तरफ पिन कर रहे हैं दोस्तों। तो सेम ऐसे आपको बॉबी पिन से पिन करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बॉबी पिन से हम पिन कर रहे हैं, तो सेम ऐसे आपको दोस्तों पिन करना है। उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हैं एक और हमने साइड से एक और सेक्शन लिया और इसके अंदर भी सेम ऐसे ही कर रहे हैं दोस्तों, ट्विस्ट कर रहे हैं और हल्का हल्का पुल कर रहे हैं बाहर की तरफ निकाल रहे हैं लेयर को और सॉफ्ट लेयरिंग दे रहे हैं इसके साथ ट्विस्ट के साथ। और उसके बाद से हमने यहाँ पर बॉबी पिन से पिन किया, तो सेम ऐसे ही आपको करना है। फिर हमने एक और सेक्शन लिया उसके साथ में ही और इसको भी हम सेम ऐसे ही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कोम कर दिया थोड़ा सा सॉफ्ट लुक के लिए और उसके बाद से हमने यहाँ पे ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हम हल्का हल्का लेयर को खींच रहे हैं, तो सेम ऐसे इसके अंदर लाइंस बनानी है, सॉफ्ट लाइन आ रही है इसके अंदर, एक मैसी लुक आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो सेम ऐसे आपको इसके अंदर देना है। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल लगेगा अगर आप क्लाइंट के ऊपर देते हैं तो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो सेम ऐसे आपको करना है और बॉबी पिन से पिन करना है। अब दूसरी साइड भी हमने सेम ऐसे ही किया है, कर्ल को हमने अच्छे से कोम कर दिया है। कोम करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ट्विस्ट के साथ ही हल्का हल्का लेयर को बाहर की तरफ हमने खींचा ताकि वॉल्यूम आ जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आए, इसके अंदर लेयरिंग भी नज़र आए। तो सेम ऐसे ही आपको करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया है। तो दोस्तों लेयर को जैसे कि आप देख रहे थे हमने पुश किया, तो सेम ऐसे आपको पुश करना है ऊपर की तरफ और लेयर को हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ लेयर को बाहर की तरफ निकाल भी रहे हैं जिससे कि एक मैसी लुक आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है। तो सेम ऐसा आप कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो सेम ऐसा करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। और साइड पार्टिंग के साथ जो हमने ये हेयर स्टाइल बनाया बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग लुक है, तो अपने क्लाइंट को दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी हेयर स्टाइल सीख पाएँ। उसके बाद से दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट वाले सेक्शन को भी हमने अच्छे से कर्ल कर लिया है। कर्ल करने के बाद हमने ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट के बाद जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने ऊपर की तरफ पुश किया, तो सेम ऐसे आपको पुश करना है और वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट करना है फिंगर टिप की हेल्प से, और उसके बाद से लेयर को बाहर की तरफ निकालना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉफ्ट लेयरिंग आ रही है, तो ऐसा करके आप एक यहाँ पे लाइन बना सकते हैं और मैसी सा एक यहाँ पे कर्ल आ रहा है, तो इसको एक फ्रिल वाला कहेंगे, जिसको फ्रिल कहते हैं। तो आप ये वाला जो कर्ल हम बना रहे हैं फ्रिल वाला कर्ल कहते हैं इसको, तो आप ये कर्ल दे सकते हैं। एक मैसी कर्ल आता है इसके साथ। उसके बाद से हम यहाँ पे एक और सेक्शन लिए हैं, इसके अंदर भी हमने सेम वैसे ही किया है। कर्ल को अच्छे से कोम कर दिया है, कोम करने के बाद ट्विस्ट किया है दोस्तों। ट्विस्ट के साथ ही आप देख रहे हैं कि हमने लेयर को बाहर की तरफ निकाला है, तो सेम ऐसे आपको लेयर को बाहर की तरफ निकालना है और एक फ्रिल बनाते हुए आप इसको लेके जाएंगे और उसके बाद से पुश कर देंगे पूरे लेयर को, जिसके साथ इसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा बहुत ही अच्छा सा, और इसको आप यहाँ पर बॉबी पिन से पिन कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अभी मेरी क्लास होने वाली है दिसंबर में कोलकाता के अंदर, तो अगर आप कोलकाता से हैं तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं, और कोलकाता की क्लास की डिटेल के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9991418347, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कोलकाता की क्लास की डिटेल के लिए। और अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आप ले सकते हैं मेरे को व्हाट्सअप करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 9991418347 पे। तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपनी क्लास की डिटेल ले सकते हैं। और उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने नीचे में भी सेम वही टेक्निक को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ, तो ऐसा करके हम पूरा नीचे की तरफ पूरा लेयर बना पाएंगे दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप थोड़े थोड़े जब हेयर लेके कर्ल करते हैं तो आपका जो है कि हेयर काफ़ी ज़्यादा हेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है और आपका हेयर भी ज़्यादा दिखने लगता है। अगर आप मोटे मोटे सेक्शन लेंगे तो आपका जो है कि कर्ल कम बनेगा और आपका लेयरिंग भी कम होगा। अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम इतने सारे हमने कर्ल बना दिए थे, जिससे कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि 3-4 लोगों का हेयर इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मगर दोस्तों ये पूरा एक ही डमी का हेयर है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 3-4 लोगों का या फिर 3-4 डमियों का मैंने इसके अंदर हेयर मिक्स कर दिया है। एक ही डमी का हेयर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और वही जो आपको शुरुआत से मैंने बताया कि कर्ल का जो टेक्निक है और आपको कितना सेक्शन लेना है कर्ल में, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वो उसी के साथ ही मैं यहाँ पर हेयर स्टाइल बना रहा हूँ। तो आप ऐसा करके बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा सेक्शन ले लेंगे तो आपका हेयर स्टाइल अच्छे से बन नहीं पाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से बना पा रहे हैं जैसे हम, तो ऐसा आपका हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा अगर आप थिक सेक्शन लेंगे तो। आपको ज़रूरत होगी एक पतले पतले सेक्शन की, तभी आप यहाँ पे अच्छे से हेयर स्टाइल बना पाएंगे। जब पतले पतले सेक्शन लेके आप कर्ल करेंगे तो जितने आपके बाल होंगे उसके अंदर और भी ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि जब पतले पतले सेक्शन लेके आप कर्ल करेंगे तो उतने ही आपके और भी ज़्यादा सेक्शन बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको नॉर्मल सेक्शन लेने, यानी कि आप थिक सेक्शन ले लें। अब थिक सेक्शन लेंगे तो आपके 5-6 सेक्शन में ही आपका पूरा जो हेयर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए आपको नॉर्मल सेक्शन लेने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती टाइम पे बताया था स्टाइल को स्टार्ट करते हुए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा हेयर स्टाइल को बना दिया है यहाँ पर, और ऐसा बनाया दोस्तों कि पूरी लेंथ भी हमारी अच्छे से यूज़ हो पाई है पूरी नीचे तक, यानी कि हमने पूरा ऊपर में ही हेयर स्टाइल को ख़त्म कर दिया। अगर आपने 4-5 लेयर बनाया होता कर्ल किया होता तो आपका ऊपर ही हेयर स्टाइल ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।